तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि आर्किटेक्चर कैसे बने। आपको इसमें आपकी पढ़ाई से लेकर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनने तक के बारे में एक एक जानकारी दी जाएगी। दोस्तों आइए, आप हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट अच्छे से बताने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ाई करनी होगी, कौन सा कोर्स करना होगा या किस तरह से आपकी इसमें योग्यता होनी चाहिए, आपको एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनने के लिए क्या क्या कार्य करने होंगे, आपको यही सभी पॉइंट हम आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी पॉइंट पे देने जा रहे हैं। आपको एक एक करके एक पॉइंट में बताएंगे कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसमें किस तरह से कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं आपको लेकर हमारी वीडियो के जानकारी की तरफ। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को स्किप करके देखने से आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और इसके अभाव में आपको सफलता भी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम आपको पूरी जानकारी अपने वीडियो में लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों आपको लेकर हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में और बताते हैं कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कौन होते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि आर्किटेक्चर के क्या कार्य होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की तैयारी कैसे करें, आपको इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जाने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कैसे बने, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको अपने वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको बिजनेस की टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसे न सिर्फ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है बल्कि कंपनी और कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से मॉडल की मॉडिफाई भी करना होता है। इसके अलावा नई प्रणाली की सफलता के लिए कस्टम ऑपरेटरों का भी परीक्षण भी लेना आवश्यक माना जाता है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के लिए अच्छी संभावनाएं होना ज़रूरी है। अगर आप में अपना पूरा काम कुशलता से करने की क्षमता है तो आप भी बहुत जल्द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं हमारी वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जानेंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए और किन किन चीज़ों को अपनाना होता है, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरह से आपकी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों के लिए कार्य करने होते हैं, यही सभी जानकारी लेकर हम आपको अपनी वीडियो के टॉपिक में लेकर चलते हैं और बताएंगे कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को किस किस तरह से कार्य करने होते हैं, यह अपनी भूमिका किस तरह से निभाते हैं। अगर दोस्तों आप भी एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको हमारी वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। आप हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। हम आपको अपनी वीडियो में एक एक करके सभी पॉइंट बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये चलते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट क्या है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का काम पहले उसे स्ट्रक्चर करना होता है। वैसे तो यह नौकरी बहुत ही जिम्मेदार भरी होती है, लेकिन एक अच्छा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको बिजनेस और टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम या कहें कि एक कंप्यूटर मैनेजर है जिसे पास उच्च स्तर की डिजाइनिंग पसंद सॉफ्टवेयर कोडिंग टूल्स होती है। यदि आप में इस क्षेत्र में
में कुशलता से काम करने की क्षमता है तो आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के लिए आवश्यक योग्यताएं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ग्रेजुएशन कोर्स पूरा कर सकते हैं। आईटी के साथ बीए, बीटेक, एमई, एमटेक होना जरूरी है। इस प्रणाली के अलावा विशेष योग्यता के साथ एमबीए करने वाले आईटी उम्मीदवारों को इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमने बताया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट क्या होते हैं या इनकी योग्यता किस प्रकार होती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही जानकारी लेकर आपको वीडियो के आखिर तक लेके चलेंगे। हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट बताएंगे कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के और क्या क्या कार्य होते हैं, आपको एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए और क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कौन बन सकते हैं या इन्हें बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस तरह के स्किल्स की आवश्यकता होती है। यह सभी जानकारी जानने के लिए आइए चलते हैं दोस्तों, हम आपको अपनी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर और जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के लिए हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानना होता है या इसके लिए आपके क्या योग्यता रखी गई है, कौन से एग्ज़ाम आपको क्लियर करने होंगे या आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और अगर आपको ऐसे ही जानकारी जाननी है तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं या वह किस तरह से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आइए चलिए दोस्तों जानते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के कार्य। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का काम जिम्मेदारी के साथ साथ चुनौतियों से भरा होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनने के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को उसके लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है जिससे लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही चीज़ दे सकें। इसमें शामिल कुछ जोखिम भी प्रत्याशित है। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर के नए यूज़र को ट्रेनिंग देना भी एक अहम काम है। यही कारण है कि किसी भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को अपने परीक्षण और सॉफ्टवेयर के रखरखाव से संबंधित सभी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स का काम डिज़ाइन तैयार करने के साथ साथ किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के प्लानिंग करना होता है। आर्किटेक्ट ग्राहक के बजट के अनुसार निर्माण की गई योजना बनाने में माहिर होता है। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है जो यह निर्धारित करता है कि विकास टीम को किन प्रक्रियाओं को तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रूप में कोई कोडिंग समस्याओं को हल कर सकता है और अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको बहुत से पॉइंट में जानकारी देते जा रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको किन किन पॉइंट को फॉलो करना होगा जब जाकर आप एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमने बहुत से पॉइंट क्लियर करवा दिए हैं। अगर आप ऐसे ही जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारी वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों जानते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का वेतन। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के लिए नौकरी के अवसर। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रूप में उम्मीदवारों को कंप्यूटर, आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित सरकारी या निजी क्षेत्र की किसी भी कंपनी में अवसर मिल सकता है। यदि उम्मीदवारों को सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और विश्लेषण में पेशेवर अनुभव है तो बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आर्किटेक्ट चाहे तो सॉफ्टवेयर संस्थानों, आईटी उद्योग के साथ साथ कंप्यूटर कोचिंग सेंटर
क्षेत्रों में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों के साथ साथ एप्लीकेशन और मोबाइल उपकरणों के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बढ़ती मांग के कारण सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के सामने कई विकल्प होते हैं और काबिलियत होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अतिरिक्त लाभ देती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वेतन भी अच्छा होता है। पेशेवर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का वेतन 30,000 रुपये से 50,000 रुपये बीच का ही हो सकता है, लेकिन साथ ही क्षमता के अनुसार बढ़ता रहता है। 2 से 4 साल के अनुभव के बाद आपका मासिक वेतन 60,000 रुपये से अधिक होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।